अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान, आप देख रहे हैं कार न्यूज़ पलामू। मैं अभी डाल्टनगंज का रिणमा शहर के नजदीक आपका नजदीक है मौजूद है। यहाँ पे आइए, भूतपूर्व सांसद हमारे कमस्तर बैठा भी मौजूद है, आइए मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आप यहाँ पे इतना सारे लोग को बुलाए, क्यों बुलाए? समाज का सबसे बड़ा नीचे पौधान की माता बहने को मैं इसी समाज का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। निकट समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें काफी लोगों को इस समाज आज और एक तो आपकी आपसे आज का निश्चित तौर पर दूसरा बात तो बड़ा एक गुंडा सुपर मार्केट है जो हमने इस समाज का जो गरीब परिवार एक परिवार का है, बेरोजगार है, समस्या का थोड़ा समाधान करना चाहते हैं ताकि उसको मदद करना चाहते हैं। और लोन भी हम लोग बैंक के माध्यम से जो टाइम करते हैं अति गरीब है, दूसरा है, चोरी है, काम नहीं पाता है, उसकी जरूरत है ताकि खाना भी दे रहे हैं और अन्न भी दे रहे हैं। और इन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, गांव में हुनर सिखाने के लिए हर गांव में है पंचायत लेवल पर है हम लोग 10-20 करके कि हम लोग कंप्यूटर सिलाई मशीन का भी हम लोग बढ़ावा करेंगे देंगे लोगों को ताकि गाँव में रहकर पंचायत लेवल पर लोग अपना कूलर सिलाई मशीन कंप्यूटर है लैपटॉप चलाना सीखे ताकि आज यही जुड़े हैं। लोग गहना लोग देता है, धन देता है, दौलत देता है, दहेज देता है, लेकिन लड़की को अगर घर में संस्कार सिखा करके अगर भेजेगा, हुनर सिखा करके भेजेगा तो ये सारा गहना दहेज दहेज दोस्तों के लिए जाता है। इसी को लेकर के लोग हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं और हमारे महिलाएँ आप सर कौन सा पार्टी से आप चुनाव लड़े थे और आपका विजय पर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमने चुनाव लड़े थे और ऐसे 2007 में भी चुनाव लड़े थे। 2019 अभी हमने RJD में है और अगर मुझे RJD टिकट देता है, लगता है टिकट मुझे अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर ये जो है आज का अगला व्यापक करता है। सारे लोग आज बीजेपी के सारे लोग हाथ फेंकना चाहते हैं और व्यापी जनता पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे चैनल पे 2 मिनट का अपने विचारों पर रखे और आप इतना गरीब लोग यहाँ पे बहुत मौजूद है, आप देख सकते हैं। आइए कुछ गरीब लोग से मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आप यहाँ किस लिए आए? पानी को दीजिए। आप अपने लिए काम करते हैं, उनका कुछ नाम होगा, उससे गरीब लोग का क्या मतलब कल्याण होता है? बस वो राशन देने के लिए उनको कुछ कागजात चाहिए और जैसे कि जो गरीब है उनके लिए क्या है, उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, उनके लिए आपने क्या प्रोसेस किया है?
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।